आप ये मत सोचिए चौथी मोहर खुलेगी, खुलेगी नहीं, खुल चुकी है, क्योंकि ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो हैं, ये संसार में दिखाई दे रही हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और जब उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो दिखाई देता है कि परमेश्वर के वचन में जो सदियों पहले लिखा गया वो आज दिखाई दे रहा है। जो लिख प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम तीसरे खंड में हैं, परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहरबंद पुस्तक के बारे में। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 5 और 6 पद से सीखा था तीसरी मोहर के बारे में, और आज हम सीखेंगे चौथी मोहर के विषय में। अगर इससे पहले कि हम इस चौथी मोहर के विषय में सीखें, हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 7 और 8 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधलोक उसके पीछे पीछे हैं और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। परमेश्वर के वचन के सुने जाने पढ़े जाने पर आशीष हो परमेश्वर की। और यहाँ पर इसकी जो पॉइंट है उसको हम जरा देखते हैं। सबसे पहले जब चौथी मोहर खुलती है तब चौथा प्राणी यूहन्ना को बुलाता है, और दूसरा पॉइंट है यूहन्ना को पीला घोड़ा और उसका सवार दिखाता है, तीसरा है सवार का नाम मृत्यु है और उसके पीछे क्या है, अधलोक है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, सवार को पृथ्वी की एक चौथाई पर अधिकार दिया गया कि तलवार अकाल मरी और वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अब हम देखते हैं कि जब चौथी मोहर खुलती है तब चौथा प्राणी जो है वो यूहन्ना को बुलाता है। ये चौथा प्राणी कौन है? हमने देखा था कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 7 पद को 4 प्राणी हैं। उन 4 प्राणियों में से जो चौथा प्राणी है वो उड़ते हुए उकाओ के समान है। जी हाँ, उड़ते हुए उकाओ के समान है। उकाओ जो है वो परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा को प्रदान करता है, या परमेश्वर के लोग हैं जिनको उसने उकाओ के 2 पंख दिए हैं, उनकी सुरक्षा का जो है वो प्रतीक है उकाओ जो है। इसको जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, तो समझ में आता है कि उकाओ का जो भेद है, उकाओ के समान जो बताया गया है वो किसको दर्शाया गया है। चलिए हम देख लेते हैं यशाया 40 अध्याय और उसका 31 पद है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उकाओ पक्षी की तुलना परमेश्वर के लोगों से की गई है कि वे उकाओ के समान उड़ेंगे। ये बात इज़राइल के लोगों के लिए है। जी हाँ, जब आप यशाया, ये पद मैंने पढ़ा नहीं, एक्सप्लेन किया है कि यशाया 40 और उसका 31 जब आप पद पढ़ेंगे तो वहां पर जो है, जो तुलना की गई है, जो इज़राइल के लोगों की तुलना की गई है, वो उकाओ पक्षी के समान की गई है। और परमेश्वर कहता है ये परमेश्वर के लोग हैं जो उकाओ पक्षी के समान जो है वो उड़ते हैं। उकाओ की बहुत सी खूबियां हैं, बहुत ऊंचाइयों तक वो उड़ता है और बहुत सी उसके अंदर, और वो अपना जो घर बनाता है वो चट्टान पे बनाता है, चट्टान में उसका जो घोंसला होता है उसमें बनाता है। परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा इन सारी बातों को बताना चाहता है कि उसके लोग कैसे हैं, किसके समान हैं। फिर प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा हुआ है, यहाँ पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ मगर ध्यान दीजिएगा, जहाँ उकाओ की बात आई है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, स्त्री को बड़े उकाओ के पंख दिए गए। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक स्त्री का वर्णन है कि वो स्त्री सूर्य ओढ़े हुए है और 12 तारों का मुकुट उसके सर पे है, चांद उसके पैरों तले है। ये जो है, ये स्त्री जो है, ये कलीसिया को दर्शाया गया है। ये परमेश्वर की दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। ये वो कलीसिया है जो तेजस्वी कलीसिया है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई झुर्री, कोई कलंक, कोई दोष नहीं पाया जाता है। ये वो लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, और इस कलीसिया को भी उकाओ के पंख दिए गए हैं ताकि ये उकाओ के पंख इसलिए दिए गए ताकि ये उड़कर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए कि शैतान और उसके लोगों के द्वारा जो है परेशान ना किए जाए, कलेश में ना फंस पाए और वो सुरक्षित रह सके उन कलेशों से जो शैतान के द्वारा जो है इस कलीसिया के ऊपर आ रहा है।
वो सुरक्षा प्रधान जो है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दी गई है, ये उकाव का है। और जब आप यिर्मयाह 48 अध्याय और उसका 40 पद और प्रकाशित वाक्य 8 का 13 जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर जो प्रभु के स्वर्गदूत हैं उनको भी उकाऊ पक्षी के समान जो है, या उकाऊ के समान जो है वो बताया गया, क्योंकि वो बड़ी वेग से उड़ते हैं, बड़ी वेग से उड़कर इधर से उधर पहुंच जाते हैं। जैसे उकाऊ पक्षी जो ऊंचाइयों तक होता है, वो स्वर्गदूतों की जो कंपेयरिंग है उनकी भी उकाऊ के समान की गई है। ये उकाऊ की बात है कि जो है कि वो यूहन्ना देख रहा है, और क्या देख रहा है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है, और उनकी कंपेयरिंग जो है वो कैसे कर रहा है। यानी चौथा प्राणी जो है वो उकाऊ के समान है। उकाऊ के समान का मतलब है परमेश्वर जो है अपने लोगों को क्या करने जा रहा है, सुरक्षा प्रदान करने जा रहा है उस महाकलेश काल से, उन विपत्तियों से जो इस संसार में आने वाली हैं या आ रही हैं, या आप देख रहे हैं बहुत सी विपत्तियां जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी हो रही हैं, तो परमेश्वर जो है उनसे सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना को पीला घोड़ा और उसका सवार दिखाया जाता है। देखिए, पीला घोड़ा जो है, जब चौथी मोहर खुलती है और चौथा प्राणी यूहन्ना को क्या दिखा रहा है, पीला घोड़ा और उसका सवार दिखाता है। ये पीला घोड़ा और ये जो उसका सवार है, ये क्या है, ये पृथ्वी पर आने वाली या पृथ्वी पर होने वाली बहुत बड़ी मुसीबतों को दर्शाता है कि किस तरीके से कौन सी मुसीबत आने वाली है। अब इसको जरा समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात से समझ लें कि उस सवार का नाम क्या है और उसके पीछे पीछे क्या चीज है। देखिए, सवार का नाम क्या है, सवार का नाम है मृत्यु, और उसके पीछे क्या है, अधलोक। अधलोक वो जगह है जहां पर मरने के बाद जो है लोग जाते हैं, जिसको बहुत से लोग नरक कहते हैं, बहुत सी चीजें कहते हैं। मगर हम बात करेंगे पीले घोड़े के बारे में। पीला घोड़ा जो है वो बहुत सी भयंकर बीमारियों का प्रतीक है, और आप आज के समय में जब देखें तो चौथा जो मोहर है वो खुल चुकी है, क्योंकि एक से एक भयंकर बीमारियां जो हैं वो इस दुनिया के अंदर दिखाई दे रही हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा ना कि जब चौथी मोहर खोली गई तो पीला घोड़ा जो है वो दिखाई, पीला घोड़ा जो है बहुत सी भयंकर बीमारियों का, और ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके नाम कभी आपने सुने नहीं होंगे, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां जो हैं वो आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बीमारी जो है ये नहीं है कि सिर्फ एक परिवार में हो रही है या एक देश में हो रही है या एक नगर में, पूरे संसार के अंदर 2020 में जो COVID-19 आया था, आप सब लोग देखे, पूरे संसार के अंदर एक ऐसी भयंकर बीमारी थी जो सब में लगी, और जाने कितने लाखों लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, यानी कितने लोग मर गए थे, क्योंकि उस सवार का नाम क्या है, मृत्यु, और उसके पीछे पीछे अधलोक है। जी हाँ, यानी कितनी मृत्यु, मतलब इस भयंकर बीमारी, ऐसी बीमारियां आएंगी कि उस बीमारियों से लोग क्या होंगे, मर जाएंगे, अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। देखिए, कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है इसलिए मर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यानी कितने कितने पैसे वाले लोग जो हैं, बहुत से करोड़पति अरबपति लोग हैं जो जिनको बीमारी लगी है वो बीमारी से ही मर गए हैं। आप देखना कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो हार्ट अटैक से मरते हैं या कैंसर से मरते हैं, बहुत सी ऐसी भयंकर बीमारियां हैं जो वो आ जाती हैं और लोगों को जो है मृत्यु के कगार पर ले जाकर खड़ी करती हैं, और मृत्यु जो है उनके शरीर में प्रवेश करके और उनको अधलोक में पहुंचा देती है। अधलोक एक ऐसी जगह है जहां मरने के बाद लोग जाते हैं, और जो है ये जो पीला घोड़ा है, इसका जो सवार है जिसका नाम मृत्यु है, इसके पीछे पीछे अधलोक है। अब अधलोक जो है बहुत समय से रोजाना क्या कहते हैं हजारों या लाखों लोग पूरी दुनिया में मरते होंगे और उस अधलोक में समाते होंगे, परंतु वो अधलोक आज तक नहीं भरता, भरा नहीं है वो। और कैसे नहीं भरा, देखिए नीति वचन में क्या कहता है। देखिए सुलेमान बहुत बढ़िया बात कहता है नीति वचन में, नीति वचन 30 अध्याय उसका जब 15 और 16 पद पढ़ेंगे, यहां लिखा है जैसे जोंक की दो बेटियां होती हैं जो कहती हैं दे दे, वैसे ही तीन वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन चार हैं जो कभी नहीं कहती बस। अधलोक, अबांच की कोक, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। अब देखिए ये चार चीजें जो बताई गई हैं इसके अंदर, दी गई हैं नीति वचन के अंदर, कि ये चार चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं कहती हैं बस। अब हो चुका हमारा,
परंतु वो कहती है और दे, जितना भी आप देते जाएंगे उन पे क्या कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो खाली के खाली है। इसमें अधलोक का नाम सबसे पहले दिया गया है, फिर बांझ की कोख, जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हैं उनको बांझ कहते हैं, और भूमि, जो इतना पानी बरसता है, बाढ़ आ जाती है, और जाने कितनी बाढ़ें चारों तरफ आती हैं, पूरा पानी, जाने कितने दिन तक वो बाढ़ का असर रहता है, परंतु उसके थोड़े दिनों के बाद देखो कि वो पानी सारा क्या, वो क्या पता नहीं कहाँ, यानी पानी पी पी कर जो है भूमि तृप्त नहीं होती है। और आग कभी नहीं कहती है बस, जब आग लगी ना तो जलाती चली जाती है, वो रुकती नहीं है। तो यहां पर हम बात करेंगे अधलोक, यानी अधलोक भी उनमें एक, उन चार वस्तुओं में एक ऐसी चीज है जो जिसमें लोग मरने के बाद समाते चले जाते सदियों से, और ऐसा लगता है कि अधलोक कभी भरता नहीं है, ऐसा लगता है कि वो खाली का खाली है। तो यहां पर जो है इनकी जो व्याख्या दी गई है वो इस तरीके से दी गई है कि मृत्यु है और उसके पीछे पीछे जो है वो अधलोक है जो भरता चला जा रहा है, मगर वो आज तक भर नहीं पाया है और भर भी नहीं पाएगा, कि ऐसा स्थान है वो, ऐसी जगह है वो। और फिर क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर जीवित मनुष्यों से क्या कहता है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें मृत्यु से अगर कोई बचा सकता है तो वह है परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, जो हमें मृत्यु से बचा सकता है, उस अधलोक से बचा सकता है। अधलोक का मतलब उस नरक की पीड़ा से हमें बचा सकता है, और वो है यीशु मसीह। और इसलिए उसने एक बात कही है, जब आप सबो उपदेशक 9 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है, जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि। देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने जो काम आपको दिए हैं, जो काम आपको सौंपे हैं, हमें उनको बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के उन कामों को पूरा करना है। और यदि हम उन कामों को पूरा नहीं करते हैं तो ये याद रखें कि अधलोक में मरने के बाद, जहां अधलोक में जाने वाले हैं, कब्र में जाने वाले हैं, नरक में जाने वाले हैं, जहां पर भी जाने वाले हैं, तो वहां पर इस पृथ्वी के ऊपर तो आप बहुत सी बुद्धि लगाकर, बहुत सी युक्तियां लगाकर, बहुत सा ज्ञान लगाकर जो है आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर वहां पर ये सब चीजें कोई भी काम नहीं आएगी। कोई भी उस अधलोक से बचा नहीं सकता है, उस अधलोक की पीड़ा से कोई नहीं बचा सकता है, उस अधलोक में पड़े हुए जो मृतक हैं उनको कोई बचा नहीं सकता, कोई जीवित नहीं कर सकता है। यदि आपने प्रभु के कामों को पूरा करके मरे हैं या पूरा कर रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित स्थान में हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो लिखा है जितने भी प्रभु में पहले मरे हैं वो पहले जीवित हो जाएंगे, यानी उस मृत्यु का असर जो है वो उनके ऊपर नहीं होगा। अब यहां पर जो चौथा पॉइंट है, सवार को पृथ्वी की एक चौथाई पर ये अधिकार दिया गया है। अब देखिए, पृथ्वी की चौथाई पर क्या अधिकार दिया गया है, एक चौथाई पर तलवार, अकाल, मरी और वन पशुओं के द्वारा जो है लोगों को मार डाले। बिल्कुल साफ ये इसमें लिखा हुआ है, एक चौथाई इस सवार को जिसका नाम है मृत्यु, उसको पृथ्वी की एक चौथाई पर मनुष्यों को मारने का अधिकार दिया गया। अब इस पूरी पृथ्वी में एक चौथाई मनुष्य जो है मारे जाएंगे तो समझो करोड़ों की संख्या में जो है वो लोग जो है बैठेंगे। और एक चौथाई कितनी होती है, विश्व की जनसंख्या क्या है, एक चौथाई को जानने के लिए आपको विश्व की जनसंख्या के बारे में मालूम होना चाहिए। और विश्व की संख्या 15 नवंबर 2022 में लगभग, ध्यान दीजिएगा, 15 नवंबर 2022 में के आंकड़े हैं विश्व की जनसंख्या के बारे में, लगभग 800 करोड़ विश्व की जनसंख्या है, 800 करोड़। इसका एक चौथाई 200 करोड़ अर्थात इस पृथ्वी पर से 200 करोड़ मनुष्यों को मारने का अधिकार दिया गया। आप सोचिए 200 करोड़ में कितने, पूरे विश्व के अंदर अपना देश भी हो सकता है, कहीं उन 200 करोड़ में हम, हमारा परिवार तो नहीं है जिस पे अधिकार दिया गया है, और किन चीजों से मारे जाएंगे। देखिए, तलवार से मारने का अर्थ यहां पर जो दिया गया है कि युद्ध जो है, जगह जगह युद्ध होंगे। और जब आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा ना, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे,
देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज राज पर चढ़ाई करेगा। तो ये यहाँ पर जो है ये युद्ध के बारे में बताया गया है कि युद्ध में जने कितने लोग मारे जाएंगे। अभी आपने देखा होगा बहुत से युद्ध हुए हैं, यूक्रेन का और रूस का युद्ध हुआ है और हमास और इसराइल का युद्ध हुआ है, जने कितने लोग मारे गए हैं। एक युद्ध जो है, युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 से लेकर 1918 तक में हुआ था, 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, ध्यान दीजिएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है, जो 1939 से 1945 तक हुआ था, 6 करोड़ लोग जो है उनकी मृत्यु हुई थी, 6 करोड़ के लोग जो है वो मरे थे। अब सोचिए करोड़ों की तादाद में, अब जो अगर विश्व युद्ध हुआ तो कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोग यहां पर जो है वो मारे जाएंगे। अगर मान लीजिए आप युद्ध में नहीं जाते हैं, या आप सैनिक नहीं है, या आपका कोई परिवार का नहीं है, तो ये ना सोचिए कि वो तो सैनिक मारे जाएंगे, हम क्या मारी, तो पब्लिक भी जाती है, पब्लिक पर भी असर पड़ता है जहां पर युद्ध होता है उसके आसपास के इलाकों में। परंतु यहां पर लिखा हुआ है कि अकाल से मारे जाएंगे, यानी भुखमरी इतनी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान को क्या है, खाने के लाले पड़ जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा खाने का। क्योंकि अब ये जरूरी थोड़ी कि सब कुछ है दुनिया के अंदर, सब कुछ है, खाने पीने की चीजें सब कुछ चीजें है, परंतु पैसे नहीं है खाने के लिए, साधन नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, तो अकाल से लोग जो मरेंगे। फिर लिखा हुआ है कि मरी, मरी जो है ये भयंकर किस्म का रोग होता है। जी हाँ, भयंकर किस्म का रोग होता है, ये भयंकर किस्म की बीमारियां जो होती हैं वो लग जाती हैं। और मरी जो होती है, जब एक में लगती है, ये एक ऐसी बीमारी है, अगर एक मनुष्य में लगी तो दूसरे में लगेगी, दूसरे से तीसरे में लगेगी। जैसे 2020 में कोविड था कि एक से हुआ दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एक देश से दूसरे देश में गया, दूसरे देश से तीसरे देश में गया। ये ऐसी मरी, जो ऐसी भयंकर बीमारियां जो है वो मरेंगी। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर एक बहुत से मुर्गियां हैं आपने पाल रखी हैं, अगर एक मुर्गी को बीमारी लग जाती है तो वो एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में, दूसरी मुर्गी से तीसरी मुर्गी में, सब मुर्गियों में बीमारी लग जाती है और वो मरने लगती हैं। ऐसे ही मनुष्य का हाल होगा, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो है मनुष्य का हाल होगा जब ये चौथी मोहर जो है, आप ये मत सोचिए चौथी मोहर खुलेगी, खुलेगी नहीं, खुल चुकी है। क्योंकि ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो हैं ये संसार में दिखाई दे रही हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और जब उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो दिखाई देता है कि परमेश्वर के वचन में जो सदियों पहले लिखा गया वो आज दिखाई दे रहा है, जो लिखा गया और जो हम सुन रहे हैं वो हम देख भी रहे हैं। हम सिर्फ सुन नहीं रहे हैं बल्कि हम देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है परमेश्वर के वचन के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है। और फिर है वन पशुओं के द्वारा जो है, पहले आपने सुना होगा कि बहुत पहले के जंगली जानवर गांव में आ जाते थे, जो जंगलों के किनारे जिनके घर वगैरह या गांव वगैरह होते थे उनके अंदर, आज तो शहरों के अंदर आ गए। अब भैया शहरों के अंदर आने का कारण क्या है कि शहर के लोगों ने क्या करा है, अपनी सुविधा के लिए उनके घरों को, उनके जंगलों को, उनके वनों को उजाड़ दिया। अब वो जाए कहां, बिल्कुल सही बात है, कहां जाएंगे। जब हम मनुष्यों ने जंगलों को उजाड़ दिया है, उनके रहने के स्थान को उजाड़ दिया है, तो भैया वो तुम्हारे रहने के स्थान में तुम बड़े आराम से रह रहे हो, क्यों रहने देंगे। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निकल के आएंगे, वो शहरों में निकल आए हैं। आज बहुत से शहरों में देख लीजिए कि जंगली जानवर जो हैं वो दिखाई देते हैं। कोविड के समय में तो बड़े बड़े शहरों में सड़कों में बहुत से जो है वन पशु जो थे, जंगली जानवर जो थे वो दिखाई दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है वो पूरा हो रहा है, जो लिखा है वो पूरा हो रहा है, वो दिखाई दे रहा, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी हमारा जीवन बुराइयों और बुराइयों में बदलता है, और हम जो है बुराइयों में फंसे रहते हैं, पाप में फंसे रहते हैं, एक दूसरे के लिए बुरा करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए बुरा सोचते रहते हैं और बस बुराई में लिप्त रहते हैं। बहुत सी बुराइयां हमारे जीवन के अंदर पनपती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के नशे की हो, चाहे लड़ाई झगड़े की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे किसी को जान से मार देने की हो, लूटपाट की हो, या चोरी चकारी की हो, लोभ लालच की हो, व्यभिचार की हो, दूसरे के जीवन को बर्बाद करने की, घर को बर्बाद करने की, क्यों ना ये बुराइयां आज हमारे जीवन में बनी हैं। बनी हैं तो
इस परिणाम को हमें भुगतना पड़ेगा। परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं, जो इन बुराइयों से दूर रहते हैं, परमेश्वर उन्हें सुरक्षा जो है वो प्रदान करेगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं। मत्ती 24 अध्याय जब 3 पद से लेकर 14 पद तक आप पढ़ेंगे तो ये पूरा जो है, आप इसको पढ़िएगा, ये पूरा हो रहा है। तथा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसका 7-8 पद भी जो है, ये सब कुछ पूरा हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो घटनाएं बाइबल के अंदर लिखी हैं, जो घटित हो रही हैं, इन घटनाओं में कहीं हमारा परिवार तो फंसकर जो है अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीमारियां हम पर आए, कहीं ऐसा तो नहीं इस अकाल से हम मर जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वन पशु का शिकार हम हो जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध के परिणाम हमें और हमारे परिवार को भी भोगने पड़े। सोचिए मेरे प्यारे भाई, समय कितना अंतिम समय जो है वो ये चल रहा है, और इस अंतिम समय में जो है दुनिया का अंत कितना नजदीक है। यीशु मसीह का आना जो है वो कितना करीब है। ये मत सोचे कि यीशु मसीह को आने में अब बहुत, क्योंकि ये सारी चीजें यीशु मसीह के आने से पहले इस दुनिया के अंदर पूरी होंगी, जो लिखी गई हैं वो पूरी हो रही हैं, और यीशु मसीह का प्रकट होना बहुत ही नजदीक है, बहुत है। हम अपने जीवन को बचा लें, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, ताकि हमें भी प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।